हाय, मैं अनुज भारद्वाज और आज हम जानने वाले हैं यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये पूर्णतः स्वदेशी है, भारत में बना हुआ है और बहुत गर्व से मैं कहता हूं कि ये अब जो है अलग अलग देश जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले सेटलमेंट की बात करें तो कि सेटलमेंट में कितना टाइम लगेगा, मतलब आपके बैंक अकाउंट से उस बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने में कितना टाइम लगेगा, तो ये विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स हो जाता है, फॉर ट्रांसफर हो जाता है। हालांकि कुछ एप्स हैं जिसमें कभी कभी पैसा अटकता है, अदरवाइज बहुत अच्छा साधन है ट्रांसफर करने का। लेकिन इसमें 1 लाख रुपए तक की ट्रांसफर आप कर सकते हैं, वो भी अलग अलग बैंक से, उनकी अलग अलग सर्विसेज होती हैं। कोई आपको 25,000 की लिमिट देगा, कोई 50,000 की लिमिट देगा, कुछ एप्स हैं या कुछ स्टार्टअप्स हैं वो आपको उससे भी कम लिमिट हो सकता है कि दिन भर में 10,000, दिन भर में 25,000, तो ये लिमिट इसमें होती है। इसके अलावा चार्जेस की अगर बात करें तो हमें और आपको ट्रांसफर करने में कोई चार्ज नहीं लगता है। इसमें जो भी चार्ज है वो बैंक बियर करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है उसका प्रेशर है इसलिए। और टाइमिंग की बात करें तो 24 घंटे में कभी भी आप कर सकते हैं, पूरे साल ये जारी रहता है, 7 दिन हफ्ते के आप ट्रांसफर करेंगे, अगले सेकंड उसके अकाउंट में पहुंच गया। अब रिक्वायरमेंट क्या है होगी इसको भेजने, अगर आपको भेजना है तो क्या क्या डिटेल आपको चाहिए होगी, तो 3 में से कोई एक डिटेल होगी तो काम हो जाएगा। तो सबसे पहला डिटेल क्या आ सकता है, मोबाइल नंबर, जिसको आपको पैसा भेजना है उसके मोबाइल नंबर से अगर जुड़ा हुआ है उसका यूपीआई आईडी, तो आप इधर से जो है ट्रांसफर करेंगे उसके मोबाइल नंबर पर, तो जो भी बैंक अकाउंट से लिंक करके रखा होगा उसमें पैसा आ जाएगा विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स।